और चलिए 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर सबसे पहली नजर, पहली ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां एनकाउंटर के दौरान सेना के दो अधिकारी और पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए। मुठभेड़ में अब तक दो आतंकी ढेर हुए हैं। सेना के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इलाके में सेना और पुलिस इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गोलीबारी से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान तीनों ही वीरगति को प्राप्त हुए। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दूसरी बड़ी खबर, आज एमपी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 57,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ राज्य को 50,700 करोड़ की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे। साथ ही इंदौर में 2 IT पार्क, 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक आधारशिला भी रखने वाले हैं। 1,00,000 सिकल सेल परामर्श कार्ड वितरित करेंगे। दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। तीसरी ब्रेकिंग, सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जारी कर दिया है। सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। संसद सत्र के दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और पोस्ट ऑफिस बिल समेत 5 बिल पर चर्चा होगी। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल भी पेश किया जाएगा। 17 सितंबर को पीएम नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। चौथी ब्रेकिंग, विशेष सत्र के एजेंडा को लेकर जयराम रमेश ने तंज कसा। कहा, सत्र बुलाने के पीछे के वास्तविक इरादों को छिपा रही है सरकार, अंतिम क्षण में सरकार इसका खुलासा करेगी। जयराम रमेश ने कहा, फिलहाल सरकार ने जो एजेंडा प्रकाशित किया है उसमें कुछ भी नहीं है और इसके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह अंतिम क्षण में कुछ बड़ा सामने लाने की तैयारी की जा रही है। पर्दे के पीछे कुछ और है। पांचवी ब्रेकिंग, भोपाल में अक्टूबर में होगी इंडिया गठबंधन की पहली रैली। कल शरद पवार के आवास पर समन्वय समिति की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा, कमेटी ने देश के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त सार्वजनिक रैली करने का फैसला किया है। पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भोपाल में होगी। कल की बैठक में समन्वय समिति ने सीटों का बंटवारा तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला लिया। सदस्य दल जल्द ही इस पर बातचीत करेंगे और फैसला लेंगे। छठी ब्रेकिंग, आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के सामने आज शिवसेना के दोनों ही गुटों के सभी 54 विधायकों की पेशी है। विधायकों की अयोग्यता मामले पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के सभी 54 विधायकों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा था। सीएम शिंदे को भी विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस गया है। इस नोटिस के तहत विधान भवन में शिवसेना के दोनों गुट यूबीटी और शिंदे समर्थकों को शामिल होना है। नार्वेकर ने साफ तौर पर कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सभी विधायकों को वोट देने का मौका मिलेगा। सातवीं ब्रेकिंग, सूरत से जहां आयकर विभाग का मेगा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हीरा ज्वेलर से जुड़े 3 समूहों के 35 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। आईटी विभाग की यह छापेमारी पार्थ ग्रुप, अक्षर ग्रुप और कांतिलाल ज्वेलर्स के ठिकानों पर की गई। छापेमारी में आयकर विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। आयकर विभाग के छापों से सूरत ज्वेलर्स में हड़कंप मच गया है। अब इस अभियान में बड़े बेनामी लेनदेन का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। हीरा ज्वेलर्स इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट बिल्डर्स की भी अब चर्चा यहां होने लगी है। नौवीं बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज सुनवाई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ भ्रामक बयान देने का यह मामला दायर किया था। गहलोत के जरिए संजीवनी घोटाले में शेखावत और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में मानहानि का दावा किया था, जिसे लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था।
नौवीं ब्रेकिंग, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है आज। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, इन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से ना कभी स्पर्धा थी और ना कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। दसवीं बड़ी खबर, पुणे में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है। भागवत और नड्डा इसमें शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी सहित आरएसएस से जुड़े 55 अन्य संगठन के प्रमुख संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। 3 दिवसीय इस बैठक जो ये है, ये 16 सितंबर तक चलने वाली है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। आगामी 5 राज्यों लोकसभा चुनावों से पहले ये संघ की आखिरी समन्वय बैठक होगी, जिसमें केंद्र सरकार और बीजेपी संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।